आज हम बनाएंगे हमारे ट्रेडिशनल कढ़ी चावल, लेकिन एक हेल्दियर और वीगन वर्जन विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द टेस्ट। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दो लोगों की सर्विंग बनाने के लिए हमें लगेंगे ये इंग्रेडिएंट्स। एक कप बेसन, एक कप कोकोनट कर्ड, प्यूरी ऑफ वन टमेटो, एक प्याज, 200 ग्राम्स डाइस्ड टोफू, एक चम्मच राई, एक चम्मच साबुत धनिया, लाल मिर्च, बारीक कटी हरी मिर्च, हींग, अदरक, हल्दी और नमक। इसे कुक करने के लिए सबसे पहले हम प्रिपेयर करेंगे बेसन और कर्ड को। बेसन और कर्ड को अच्छे से मिक्स करेंगे और इसी में हम डाल देंगे हल्दी और सॉल्ट। मेक श्योर कि यहाँ पे कोई लम्ब्स ना बने। इसे हम धीरे धीरे मिक्स करेंगे और इसमें पानी डालते जाएंगे। ये मिक्सचर आप पतला रख सकते हैं, इसमें खूब पानी डाल सकते हैं, क्योंकि लास्ट स्टेप में ये काफ़ी थिकन होता है, तो जितना पानी आप डालेंगे लास्ट में वो आपको कम ही लगेगा। इसे हम साइड पे रख देंगे सोक करने के लिए और हम अब प्रिपेयर करते हैं कढ़ी। कढ़ी प्रिपेयर करने के लिए एक हैवी बॉटम पैन या कढ़ाई में आपको डालना है थोड़ा सा तेल। उसमें हम डालेंगे राई, साबुत धनिया, अदरक, लाल मिर्च और हरी मिर्च, और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट के लिए पकाएंगे। जैसे ही हमें सीड्स पॉप होने की आवाज़ आएगी इसमें हम डालेंगे हींग। उसके बाद हम डालेंगे इसमें प्याज। प्याज थोड़े से ब्राउन होंगे तो उसमें हम डालेंगे टमाटो प्यूरी, और इसे ढककर हम कुक करेंगे और 2 या 3 मिनट के लिए। नेक्स्ट इसमें हम वो बेसन वाला मिक्सचर डालेंगे जो हमने साइड पर रखा था। इसे हम कुक करेंगे 15 से 20 मिनट तक। यहाँ पर आप इंश्योर करिए कि बार बार आप इसमें करछी मारते रहें ताकि वो बेस ऑफ द पैन पे चिपक के जल ना जाए। जब आपको लगे कि कढ़ी का बेस कुक हो गया है, हम इसमें डालेंगे डाइस टोफू और इसे ढकेंगे और कुक करेंगे और 2 मिनट के लिए। दैट्स इट, आपकी कढ़ी रेडी है। सर्व करें इसे गर्मा गर्म बासमती चावल के साथ। आई होप यू एंजॉय द वीडियो।